अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुनेद। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फूड विद जुनेद। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा मैंगो आइसक्रीम किस तरह बनाई जाती है। बहुत ही इजी तरीके से आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चलिए, ये सबसे पहले हमें चाहिए होगा मिल्क, चाहिए होगा शुगर ले लेंगे, मिल्क पाउडर ले लेंगे, आप कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश क्रीम ले लेंगे और मैंगोज़ ले लेंगे। सबसे पहले हमने ऑन कर लिया फ्लेम, इसमें ऐड करेंगे मिल्क, हमने मिल्क ऐड कर दिया इसमें, इसको बॉईल आने देंगे अच्छे से। तब तक हमारा हो रहा है मिल्क बॉईल हो रहा, हम इसमें मैंगो के स्किन को उतार लेंगे। मैंगो की स्किन उतारेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने स्किन उतार ली है। अब हम इसके इस तरह से को कट करेंगे, इसके स्लाइसेस अलग अलग बहुत ही ख्याल से। इस तरह से उतार देंगे इसके। तो देखिए इस तरह हमारे स्लाइस कट चुके हैं। अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए ताकि इसका टेम्परेचर आ जाए। तो देखिए हमारे दूध को बॉयल आ चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे शुगर ऐड करके हम मिक्स करेंगे इसे। तो देखिए हमारी शुगर हो चुकी है मिक्स। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, मिल्क पाउडर ऐड कर दिया हमने, इसे अब हम अच्छे से पकाएंगे तब तक ये थोड़ा थिक ना हो जाए। तो देखिए हमारा कंडेंस मिल्क हो गया रेडी, ये भी बहुत ही गर्म है, इसे हम टेम्परेचर के लिए फ्रीज़र में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। तो देखिए हमने 1 से 2 घंटे के लिए मैंगो को फ्रीज कर लिया था, इसका टेम्परेचर आ चुका है और ये फ्रेश क्रीम है। और कंडेंस मिल्क डालेंगे, सबसे पहले हम 1 कप कंडेंस मिल्क डाल देंगे नीचे, सबसे कंडेंस मिल्क डालेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे मैंगो। ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम, फ्रेश क्रीम का भी टेम्परेचर अच्छे से आ गया। फिर ऐड करेंगे हम मैंगोज, अब हम ऐड कर देंगे जो बची थी हमारी फ्रेश क्रीम। तो देखिए अब हम इसे करेंगे ब्लेंड मिक्सचर, बिल्कुल हल्का तो ब्लेंड नुकसान। तो हम मिक्सर अच्छे से चला लेंगे, ये मशीन को इसी तरह चलाएंगे ताकि नुकसान ना हो, इसका जो मिक्सर है बहुत थिक हो। तो देखिए ये हमारा मैंगो इस तरह से रेडी हो गया। अब हम करेंगे इसे साइड से, हम इसका साफ किसी बाउल में मिक्सचर निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा मिक्सचर रेडी हो गया मैंगो का। अब हम इसे क्लीन फ्लेम करके इस तरह से हम रख देंगे। क्लीन फ्लेम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इसके लम्स है ना वो ना बने, इस वजह से क्लीन फ्लेम करेंगे हम इस तरह से। हम कर देंगे फॉइल से,
और इसके साथ एयर टाइट जो है कंटेनर करके 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। देखिए हमारी मैंगो आइसक्रीम को मैंने फ्रीज़र कर दिया था 9 से 10 घंटे में। ये हो गई हमारी मैंगो आइसक्रीम, इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल वो हो चुकी है। वंस निकालेंगे इस तरह से, देख सकते हैं आप ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा सख्त सी हो गई हुई है। इस तरह से हम डालेंगे पर अब हम इस तरह से डालेंगे मैंगो के स्लाइसेस, मैंने छोटे छोटे कर लिए थे। उसके ऊपर हम टॉपिंग के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, टॉपिंग के लिए कोई भी फ्लेवर का टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तरह से तो लीजिए, ये हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, आपको पसंद आएगी यकीनन। अगर आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं आपको कि ये रेसिपी किस तरह की लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।